Hello and welcome to my channel. Today I will be sharing with you 8 life-changing tips related to skincare and hair care. Tip number 1 is to use glycolic acid toner. This product is not just good for your face, but you can also apply it on your dark and tanned areas like neck, elbow, armpits, and even on your body acne spots. Glycolic acid toner exfoliate, brighten, and even out the skin tone. Just a disclaimer, आपको इसको किसी भी active ingredient के साथ pair up नहीं करना है and sunscreen mandatorily आपको use करना है. अगर आपको dandruff and itchy scalp का issue है तो आप hair wash से पहले 5 minutes इसको स्कैल्प में यूज करना एंड देन हेयर वॉश कर सकते हो आप. इसके एक ही यूज से यू विल बी अमेज्ड. ये एक सिंगल प्रोडक्ट आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है. नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज सनस्क्रीन मिनिमम ऑफ 30-50 SPF. नाउ SPF का मीनिंग है सन प्रोटेक्शन फैक्टर. एक SPF आपको 5 मिनट के लिए सन से प्रोटेक्शन देता है. तो आप जितनी ज्यादा SPF वाली सनस्क्रीन यूज करोगे उतना ही ज्यादा देर आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी. और अगर आप सनस्क्रीन स्किप कर रहे हो तो आप कितने भी अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर लो, कितनी भी DIYs फॉलो कर लो, एट द एंड अगर आपकी स्किन प्रोटेक्टेड नहीं है तो ये सभी चीज वेस्ट हो जाएगी. मैं सभी स्किन टाइप के लिए मुझे जो बेस्ट सनस्क्रीन्स लगती है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. नेक्स्ट स्टेप इज टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्किन केयर रूटीन. और ये टिप टीनेज से लेके सभी एज ग्रुप के लिए है. ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, बट मैटर ये करता है कि आप कितना कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर रहे हो. अच्छी स्किन मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन भी कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको मिलेगा. बाकी आप घर में DIY ट्राई कर सकते हो, वो तो बेस्ट होते ही है. नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज शीट मास्क वंस अ वीक. हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग जिससे हमारी स्किन हील होती है. सो इट डजंट मैटर कि आपका स्किन टाइप क्या है, वीक में आपको एक बार जरूर शीट मास्क यूज करना चाहिए. अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो देन आप यूज कर सकते हो टोनर एज अ शीट मास्क. आप कॉटन पैड में डिप करके आप नॉर्मली अपने टोनर को यूज कर सकते हो. इससे आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग रहेगी. ऑल्सो हाइड्रेशन मिलने से आपका स्किन बैरियर होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा. वी ऑल वॉन्ट कि हम अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग लगे और इसके लिए हमारे स्किन के साथ साथ हमारे बाल बहुत ही ज्यादा बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं. सो इट इज मैंडेटरी कि हम स्किन के साथ साथ हमारे बालों को भी हेल्दी रखें और उसके लिए हेयर सीरम्स आर मस्ट. हेयर सीरम्स आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो बट इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप हेयर ऑयल में इसको डायल्यूट करके देन अपने स्कैल्प में अप्लाई करो, जिससे हमारे स्कैल्प को अच्छे से ऑयलिंग एंड सीरम दोनों के ही बेनिफिट्स मिलेंगे. नाउ Here is my bonus tip to use LED hair comb. मैं जो comb use कर रही हूँ उसमें 2 different LEDs का option है. First है red LED जो hair growth को promote करता है and scalp को overall healthy रखता है. और अगर आपको dandruff and itchy scalp का problem है तो आप use कर सकते हो blue LED. इसी के साथ में इसमें 3 different head massaging modes हैं, जिससे scalp में blood circulation increase होता है and we all know massaging कितनी beneficial होती है. Next step to look attractive and beautiful is to do a no makeup makeup look. जिससे हमारा फेस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है विदाउट गोइंग ओवर द बोर्ड. आप फाउंडेशन एंड कंसीलर की जगह यूज कर सकते हो टिंटेड सनस्क्रीन, जिससे मेकअप एंड स्किन केयर दोनों के ही आपको बेनिफिट मिल जाएंगे. देन आप अपने फेस के अकॉर्डिंग अपनी आईब्रोज को शेप दे सकते हो. एंड लास्टली फॉर द फ्लश ऑफ कलर यूज टिंट एंड अ लिपस्टिक. वेरी क्विक, सिंपल एंड क्लीन मेकअप लुक जो कि बहुत ही नेचुरल लगता है एंड आप डेली कॉलेज एंड ऑफिस में ये करके जा सकते हो. नेक्स्ट स्टेप इज टू टारगेट योर स्किन कंसर्न. लाइक इफ यू हैव ड्राई स्किन देन आप डैम्प स्किन में यूज कर सकते हो हाइलुरोनिक एसिड सीरम. ओपन पोर्स एंड एक्ने के लिए आप यूज कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड सीरम. एंड फॉर डार्क एंड एक्ने मार्क्स आप यूज कर सकते हो विटामिन सी सीरम. बट मेक श्योर आप विटामिन सी को ड्राई स्किन पर अप्लाई करो, ना कि डैम्प स्किन में. ऑल्सो डोंट मसाज इट ऑन टू योर स्किन, जस्ट डैब इट. इसी के साथ में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन सी, उसको आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए अपनी स्किन में वर्क करने के लिए. एंड यूज देम करेक्टली. हर स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लगाने का एक राइट वे होता है, उसको आप फॉलो करो. नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज ब्राउ एंड लैश सीरम. ट्रस्ट में, अगर आपकी लैशेज लॉन्ग एंड वॉल्यूमिनस होती है तो आप नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगते हो एंड आपको मेकअप में मस्कारा एंड ऑल यूज करने की नीड ही नहीं रहती है. सो दीज वर ऑल माई टिप्स फॉर यू गाइज. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.